ये देखिए ये खुल गया। ये खुलने के बाद जो है आपको मुंबई डिवीजन सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है, उम्मीद एम्प्लॉय स्मार्ट एंड यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे स्काईवेस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ओके करना है। मास्टर डैशबोर्ड, ये प्रोफाइल सेटिंग है, ये लॉग आउट है, तो यहाँ पर इसको ओके कीजिए। ये देखिए पोर्टल खुल रहा है पूरा। खुलने के बाद यहाँ पर जो है पूरा डिटेल आएगा। ये देखिए ये धीरे धीरे खुल रहा है, इसमें पूरा डिटेल आ जाएगा। फ़ोटो रहेगा, आपकी फैमिली जो भी इंक्लूड रहेगा उसमें, ये सेल्फ इसमें पूरा इंक्लूड रहेगा। ये भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेब एप्लीकेशन चेकलिस्ट है, माय एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ पर व्यू और डाउनलोड मेडिकल कार्ड है, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं आप। यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं, ये खुल रहा है धीरे धीरे। यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा कि कितने लोग इसमें जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। कितने लोग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ये देखिए धीरे धीरे खुल रहा है। यहाँ पर देखिए वेलकम टू स्मार्ट हेल्थ कार्ड सिस्टम इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में स्मार्ट मेडिकल कार्ड सिस्टम। यहाँ पर देखिए रजिस्टर हियर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये थ्री डॉट को आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है होम, लॉगिन, गाइडलाइन, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क में देखिए कॉन्टैक्ट अस, और मेडिकल इन्फॉर्मेशन में हॉस्पिटल लिस्ट दिया हुआ है, सर्कुलर दिया हुआ है, हेल्थ टिप्स दिया हुआ है। तो हॉस्पिटल लिस्ट में देखिए यहाँ पर पीडीएफ पूरा खुल रहा है। ये देखिए पूरे भारत में इंडियन रेलवे का स्वास्थ्य केंद्र है, सबका इसमें दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप ये पूरा डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर गाइडलाइन दिया हुआ है, यूजर मैनुअल फॉर एम्प्लॉय इंग्लिश, आप किसी में भी चेक कर सकते हैं इसको। ये देखिए लाइव डेमो भी आपको बता देते हैं कैसे करना है, लाइव डेमो भी दिखा सकते हैं आपको कैसे करना है। ये देखिए उम्मीद गाइडलाइंस डिस्कसेड इन लाइव डेमो, ये खुल रहा है। क्या करना है आपको बता रहे हैं, पहले सबसे पहले आपको इसका लिंक जो है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट डेमो में जाना है, यानी वेबसाइट में जाना है। आपको एक्सप्लेनिंग द सिस्टम थ्रू द रिसोर्स अवेलेबल इन द वेबसाइट, और बी में सर्कुलर यूजर मैनुअल चेक लिस्ट अप्लीकेशन फॉर्मेट्स वीडियो, ये दिया हुआ है। व्हाट इज़ द उम्मीद एंड हाउ इट इज़ वर्क, ये बता रहा है कि उम्मीद क्या है और ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद ये सारा टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या आपको लगेगा, इसका डिस्क्रिप्शन और पीडीएफ का लिंक जो है हम अपने वीडियो में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको और एक चीज़ करके बताते हैं अभी हम, ये गाइडलाइन में आइए। गाइडलाइन में ये देखिए लाइव डेमो में आइए, लाइव डेमो में आपको बता रहे हैं हम, ये अभी खुल नहीं रहा है पोर्टल, ये खुल नहीं रहा है। यहाँ ये देखिए पूरा
दिया हुआ है इसमें, बेस्ट परफॉर्मिंग जोन जो है विथ रिस्पेक्ट टू यूजर रजिस्ट्रेशन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का इसलिए दिया हुआ है इतना क्योंकि उन लोगों को बहुत कम टाइम मिल पाता है, इसलिए वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम हो जाए उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए पेंडिंग, जो रेड कलर का वो पेंडिंग है, ग्रीन जो है वो जनरेटेड है, और नॉट इनिशिएट दिया हुआ है जो ब्लू कलर का दिया हुआ है। 97.1% जो है यूजर रजिस्टर्ड, लाइव सेंसस ऑफ रजिस्टर्ड यूजर इन द रिस्पेक्टिव जोन। ये फिर एप्लीकेशन पेंडिंग विथ एम्प्लॉय 937, यानी 15.8% जो है वो पेंडिंग में है। एप्लीकेशन पेंडिंग विथ एडमिनिस्ट्रेशन ये 356 है, जो कि 6% है, और कार्ड जनरेटेड 4456, 75.3% है। ओवरऑल उम्मीद मेडिकल आईडी कार्ड जनरेटेड इन द रिस्पेक्टिव जोन। ये देखिए एलिजिबल एप्लीकेंट जो है ये पूरा दिया हुआ है, एम्प्लॉय फिर पेंशनर जोन लाइक यूनिट्स UL1, UL2 फील्ड यूनिट और फंक्शनल यूनिट UL3, एम्प्लॉय एंड फैमिली कार्ड जनरेटेड 10,25,388 जो है वो जनरेटेड हो गया है अभी। एम्प्लॉय हेल्थ कार्ड विद फैमिली पेंशनर एंड फैमिली कार्ड जनरेटेड 39,405 जो है वो पेंशनर के लिए है। एम्प्लॉय के लिए 11,71,803 ये है। तो इस तरह से आप जो है आप इसको खोल के पूरा देख सकते हैं। जोन लिंक लाइक यूनिट्स ये ऑल इंडिया का दिया हुआ था, और फंक्शनल यूनिट ये देखिए जोन वाइज करते हैं इसको। तो इस तरह से जो है पूरा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टोटल स्ट्रेंथ इसका भी 61.6% जो है रजिस्टर्ड हो चुका है। ईस्ट कोस्ट रेलवे 84.4%, बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस है इसका। ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 88.8% रजिस्टर्ड हो चुका है। टोटल एम्प्लॉय है 77,458 है, इसमें 68,751 रजिस्टर्ड हो चुका है। सेंट्रल रेलवे का टोटल 97,635 एम्प्लॉय है, इसमें 75,182 जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इस तरह से देख रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, साउथ वेस्टर्न रेलवे का, इस तरह से आप खोल के इसको पूरा देख सकते हैं। ये सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है, रजिस्टर्ड 80% टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 2,846 है। भुसावल वर्कशॉप ये सब इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है। जब एक जोन को आप खोलते हैं उसका पूरा यूनिट देख सकते हैं आप। फंक्शनल यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें यूनिट इंटर करना पड़ेगा। ये देखिए सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे ईस्ट, सेंट्रल रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये पूरा दिया हुआ है। सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर अकाउंट्स, सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप